कहाँ है मनीषा, गा दो गाना। वो नहीं आ रहा है, गाए एक छोटा सा घर। मजा न देगी कंगन, मजा न देगा भी, मजा न देगी कंगन। अच्छा बनता है तो और अच्छा, खराब भी बनेगा। मन मजा न देगा, लेकिन अभी बनाने के बाद हम क्लीन भी कर दी। Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। दोस्तों आज सैटरडे है तो इसलिए आज हमने ये ब्लैक कलर की साड़ी जो है ना उसको हमने वेयर किया हुआ है। आज रंजना भी अपना मस्त घर ब्लॉगिंग कर रही है। तो अभी रंजना भी अपना उधर ब्लॉगिंग कर रही है और हम इधर अपना बाल बाल झाड़ रही है। थोड़ा हमारा मुँह अलग ही दिख रहा है, इतना बड़ा बिंदी लगा ली है। बस ऐसे मजाक करने के लिए लगाया है वीडियो शूट करने के लिए, वरना इतना बड़ा नहीं लगा पाएंगे हम। अभी हम थोड़ा बाल को अपना सही कर लेते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अभी मुझे दवा भी खाना है। पता है गाइस, नहा के नहाते नहाते ना दवा खाना पड़ रहा है हमको अब, तो इसीलिए थोड़ा सा वो हो गया है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। ये गाइस, तो ये बाल नहीं इतना ज़्यादा झड़ रहा है और अभी हम हो गए हैं रेडी। कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना, अभी इतना बड़ा बिंदी लगाया है, लेकिन देखते हैं कैसा लग रहा है। चलते हैं अब थोड़ा सा, ये देखिए हमको ना बड़ा लग रहा है, एक बार ये भी देखते हैं। आप लोग बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे हम छोटे बिंदी ही लगाते हैं। किसी कुछ इस तरह तो हम हमेशा रहते हैं, थोड़ा इसको इस तरह कर दिए। चलते हैं मम्मी के पास, हम मम्मी के ऊपर ही प्रैंक करते हैं। इसके यहाँ लगाते हैं, इसके यहाँ कितना बड़का बिंदी लगाई है। चल रहे हैं दोस्तों, अभी चल रहे हैं पहले मंदिर। आप लोग बने रहिए। यहाँ पे हम मंदिर में गए और पूजा हो गया था, लेकिन हम भी पूजा कर लिए। हम सोचे कि यार नहा धोवा के आज सैटरडे है और शनिवार के दिन ना ब्लैक साड़ी वगैरह पहन तो ज़्यादा सही होता है। यहाँ से ब्लैक साड़ी पहनने के बाद ना यहाँ पे मैं निकाल रही थी मंदिर में से येलो कलर का जो सिंदूर होता है ना, पीला वाला, वो वाला सिंदूर आज के दिन ना लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं चलो आज पीला सिंदूर ही लगाएंगे। और आज तो सिंदूरा में से भी लगाया जाता है सिंदूर। अच्छी लग रही है, ब्लू कलर का पहनी है, बहुत टाइम बाद ये लग रहा है पहनी है, सुंदर लग रहा है। तो चंगा में भी आ गए ना आगे, तो चलते मामी को प्रणाम करके आते हैं। गाइस तो अभी आ गए हैं हम लोग, थोड़ा सा सोच बाप रे सोच रहे थोड़ा वो पीने के लिए, चाय पीने के लिए। अरे बापू भी वो खाली पेट वाला दवा भी खाना बोल रहा है, अभी वो दवा खा लेते हैं फिर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर भी बनने वाला है चाय, देख रहे हैं आप लोग। रंजना कपड़े में इतना बड़ा धागा है, इससे कोई कपड़ा सिला सकता है। चल रहे हैं साबुन उबुन सब अभी आया है? नहीं वो तो रात को ही आया, रात को नहीं कल आया, क्योंकि आए थे ना 6 बजे, तो कल का ही आया हुआ था। माना गया तो चाय बन रहा है, हम चलते हैं, बने रहिए आप लोग। हे गाइस, तो अभी हम आ गए हैं रूम में पूजा पाठ करने के बाद और अब चलते हैं, हमको दवा खाना है खाली पेट वाला। बस इंजेक्शन दिलाया है और एक दिन हम दवा खाए हैं तो अभी ऐसे दिख रहे हैं।
जैसे ही हम अच्छे से टाइम से दवा खाएंगे, खाना पीना खाएंगे, कल हम बहुत लेट हो गए थे, कल थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे अपने इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन फिर बोले यार कोई बात नहीं है, जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। और क्योंकि मेहनत बहुत होता है ना, कोई भी चीज़ आप करते हो तो उसमें मेहनत लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे खुशी बढ़ती है, आपको खुशी मिलती है, तो यही सारी चीज़ें थी, इसलिए हम थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, बट अब कोई बात नहीं है, अब हम चलते हैं। अगर हम इमोशनल हो जाएंगे ना तो फिर मिस्टर राज क्या करेंगे, वो भी इमोशनल होंगे, उनको लगेगा हम परेशान हैं, और हम अपने पति को परेशान देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए अब हम चलते हैं पहले अपना दवा खाने। गाइस अभी खा रही है दीदी दवा, दवा खाते टाइम तो बोल नहीं सकती इसलिए बोल दिया दीदी दवा खा रही है, क्योंकि वो समझदार हो गए। अभी हम दवा खा लिए खाली पेट वाला, और अब क्या करने वाले हैं, सिर्फ और ये अभी नाश्ता करने के बाद दवा खाना है, नाश्ता हमको टाइम पे कर लेना है। बाकी दोस्तों आज का लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताएं। मैं नागिन है डांस गाइस, पता है कि यहाँ पे ना रजना आप लोगों के सामने दो कप देखे होंगे तो वीडियो में कि चाय आया हुआ था, लेकिन अब एक कप इसलिए हो गया ना क्योंकि चाय घट गया, और ये क्या कि महारानी अभी गई है चाय बनाने फिर से। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, चाय घट गया तो दोबारा चाय बना रही, हम काहे लिए अकेले पिए हैं, ये भी अपना आएगी बना के, क्योंकि फिर ये अकेले पिए आज बोले सूजी का हलवा हमको अच्छा लगता है, रिश्तेदार नहीं खाते लेकिन हमको अच्छा लगता है, वैसे मीठा कम खाते लेकिन अब थोड़ा सा जरूरी है मीठा खाना, तो बस बने रहिए, और जैसे ही चाय बन जाता है फिर मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में चल रही मम्मी के पास, मम्मी की तो हो रही होंगी रेडी, रेडी हो गई है, रेडी हो रही है। तो रंजना कुछ कहना चाहोगी हमारे इंस्टाग्राम आईडी के लिए? हम बस यही बोलना चाहेंगे, आया नहीं आया अभी तक, इतना अच्छे वीडियो बनाते थे, हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी दीदी का आईडी वापस आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और सोचिए जब हम लोग को मतलब कि प्राइवेट अकाउंट रहता तो कुछ इशू हो जाता तो हम लोग इतना टेंशन में आ जाते, तो इनका तो मिलियन में भी है तो इनको कितना लगता होगा, तो बस हम यही बोलेंगे जल्दी से आ जाए हमसे, ये कल कितना बार पूछी दीदी आ गया दीदी आ गया दीदी आ गया, लेकिन उतना नहीं आया अभी तक, हम बस यही चाहेंगे हमको यहाँ सबसे यही लगता है ना, क्योंकि सबसे बात जो किए हैं ना वो कुछ भी नहीं है, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा दुख भी लग रहा है। बाकी यहाँ पे अभी बना रही है अपना हलवा हलवा जो भी है, तो आप लोग देखिएगा ये दिखाएगी अपने ब्लॉग में कैसे बना रही है, हम अभी चलते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो चाह रहे हैं कि यार इसके इतना सब कुछ खो गया, मतलब इंस्टाग्राम, और ये बंदी अभी तक इमोशनल नहीं दिखी, अभी तक नहीं रोई, तो आप लोग को बता दी कि हमको ये सारी चीज़ों का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये आएगा आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, लेकिन आप लोग को बता दें मिस्टर राज हैं और वो मेरे को सब कुछ समझाते रहते हैं, और एकदम जब भी हमको कोई चीज़ का टेंशन होता है ना मेरे को बोलते हैं यार इसमें क्या है, ये तो हो जाएगा, और सच में ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ग्रो करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना आगे की तरफ आप जाओगे, तो वो है, और हमको अगर वो रहेंगे ना तो हमको कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, आना होता है, तो इसीलिए आप लोग को बता दें कि हमको बहुत टाइम से जब भी अगर हम कभी परेशान रहते हैं ना तो वो हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बोल देते थे ना उनके लिए ही है ये, बाकी हमेशा रहते थे हमेशा रहेंगे, और हम भी हैं हमेशा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ आने वाला है, तो आप लोग देखिएगा। और अभी आप लोग को दिखा दें एक चीज़ कि अभी ना रूम वगैरह अपना सारा कुछ सही कर दिए हैं, काट लिए प्याज, और यहाँ पे पटल कट गया है, तो आज
आलू पटल का वैसे ही सब्जी बनेगा जैसे मतलब हम बनाए हुए थे। मम्मी बोली थी रंजना को बता दी है तो इस तरह का सब्जी उस दिन तो फाइनली बता दिया। आज रंजना चमक रही है कुछ तो बात है बोल तुमको क्या बात है। गर्मी लग रहा है इसीलिए लेकिन गर्मी लग रहा है लेकिन अब थोड़ी सी अलग लग रही है रंजना अलग जैसे थोड़ा अलग अलग दिख रही है। अब डेली का लुक इसका अलग दिख रहा है आप कितना नहीं आप तो नहीं एकदम अच्छे से आज पहने हैं हम लग रहा है कि दो दिन तीन दिन बाद पहने हैं तुमको अच्छा ही नहीं लग रहा था आज ये हमको सामने दिख गया इसलिए पहन लिए तभी आप बन रहा है। थोड़ी देर में पटल बनेगा भी आलू कटने वाला है तब तक देख रहे हैं हम। मम्मी भी आ गई है शायद मम्मी के पास अभी जाएंगे अभी और सब्जी आने वाला है तब तक यहाँ पे कट गया है आटा सान रही है उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी बना देंगे। यहाँ पे आ गई है मम्मी और मम्मी भी आज पहन ली है ब्लैक कलर साड़ी तो दोनों आदमी हम लोग ब्लैक ब्लैक पहने तो और आज ब्लू कलर पहनी है जैसे कल हम अलग कलर पहने थे तो आज वो डिफरेंट कलर पहनी है दो आदमी हम लोग इस बार सेम सेम पहने हुए। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है बहुत लाइट वेट साड़ी है दोनों जॉर्जेट है ऑनलाइन का साड़ी है दोनों ऑनलाइन पे साड़ी ये जब भी हम साड़ी पहनते हैं ना तो लोग पूछता है कि कहाँ से लिए इसमें वर्क है ना सामने पूरे मीनर लगा हुआ है एकदम ये रियल मिरर वर्क है इसलिए ऐसा दिखता है। बहुत अच्छा। दिनों से पहनते भी हैं इसको लेकिन खराब नहीं हुआ उधर भी तो लेके गई थी अम्बाला में भी खराब नहीं हुआ। मम्मी कहीं जाती भी हैं तो लेके इसमें जाती हैं तो अच्छा लगता है वहाँ भी लोग देखते हैं अभी चल रहे हैं अभी रंजना बना कहीं जाते भी हैं ना तो सात दिन का सात साड़ी जोड़ के ले जाते हैं कि हम उसी हिसाब से पहनेंगे और सूट ले जाते हैं तो वन और आरामदेह रहता है कहीं आने जाने का। बोल रहे थे उनको देखिए कौन जाए सब्जी पहले चाय बनाई थी सब्जी चाय बनाई थी तो एक कप ला रही थी तीन कप एक कप इसका खत्म हो गया था तो फिर गई हम बोले कि ठीक है चाय पीजिए। मम्मी आज ऊपर करके बाल झाड़ी ऐसा लगा आज रंजना भी ऐसे ही बाल झाड़ी है सब्जी बनाएगा अच्छा हलवा पूड़ी बोल रही है खाने के लिए आप लोग बने रही है ला देते हलवा सुबह सुबह हलवा फिर पापा तो चलेगा फिर सब्जी और रोटी काजल लगा ली काजल हम लगाते हैं। चलिए हम चलते हैं। ये पूछ रही है कि मम्मी हलवा भी बना दे क्या लेकिन सब्जी के साथ नहीं खाएंगे लोग हलवा तो अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी चाय निकाल लिए हैं एक अपने लिए एक रंजना के लिए क्योंकि अभी हम लोग चाय पिए नहीं है और आज हम सोचे कि चाय पियेंगे क्योंकि जब ये लाई हुई थी तो सोचे थे कि चलो भाई चाय पियेंगे। हलवा भी यहाँ पर निकाल ली है दोनों चाय बराबर है रंजना तुम कौन सा लेगी बता रहे कौन सा लेगी थोड़ा देखो ना चाय दोनों बराबर ही है। चलते हैं भाई बहुत चाय भाई पीते हैं बिस्किट विस्किट है कुछ बबू 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 छोटा सा घर जहाँ गाना ही नहीं है जा मम्मी से पूछ क्या मम्मी ये गाना गाइए एक छोटा सा घर जहाँ रहे दोनों जहाँ। आंटी जी एक गाना गाना है आपको कौन सा एक छोटा सा घर हो जहाँ रहे दोनों जहाँ आपको भी याद नहीं है आपको भी याद नहीं है याद है। तो गाइस अभी आंटी जी अपना एक सॉन्ग निकाल रही हैं तो आप लोग सुनिए इनका यूट्यूब चैनल पे आएगा इनका सॉन्ग कहाँ है मनीषा गा दो गाना नहीं याद है गाए एक छोटा सा
चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा, चूड़ी हो चूड़ी हो चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। आज मम्मी आपके इंस्टाग्राम पे इस गाने को बनाया है। और इसी में है, समझा रही हूँ तुझको बाबुल से मांग ले मुझको, घर अपने ले चल सजना डोली में बिठा के मुझको। जो याद हमको पूरा ये सॉन्ग हमको आता है गाना, ये सनम बेवफा का गाना है। ये वाला गाना हम लोग बनाए थे ना, एक छोटा सा घर दोनों प्यार से मिले ये धरती आसमां, एक छोटा सा घर हो। आपका आवाज और दीदी का आवाज दोनों आने का ऐसे लगे। अरे तो हम लोग माँ बेटी है इसीलिए दोनों का आवाज है, बोलता है कोई का लोग की सास मार रही है छोटा उखाड़ नहीं उखार। पता है गाइस, पता है क्या, अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ा सा मोटी हो जाएगी ना, तो हम मम्मी थोड़ा सेम लगेंगे। रंजना भी हम लोग के फैमिली है, रंजना हमारी बहू है बेटी है। जो देखेगा जो जैसा गलती करता ना उसको काम खींचते हैं, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरी बहू हो, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। मम्मी कान बजा लेती हैं। नहीं वो बजा से और आज एसी की वजह से मेरा सिर में काफी दर्द है, इसलिए आज यहाँ पर हम सोए थे। मम्मी सारा एसी का पूरा सिर में दर्द हो गया है, 2 बजे तक सोला रही है सभी। हमको भी लग रहा है कि डिप्रेशन में चल जाएंगे ना इस सोने से। आज का नहीं ये लेट भी हो जा रहा सोने में। आइए आप लोग रंजना बनाई है अभी हलवा, तो यहाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा बना है, आइए आप लोग भी खाइए। तो थोड़ा सा जरूरत अच्छा बनता है तो और अच्छा, खराब भी बनेगा ना तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको अच्छा बोल के खाना। तो हम मम्मी बताती हैं कि चलो इसको ऐसे बनाना, फिर सिखा देते हैं। अभी किचन में गए थे तो इसको बोल के आए हैं, क्या बोला है बोलो अपने मुझसे। बोल रहे हैं कि हलवा बना रही हो तो पूरा बच्चे की तरह पूरा गैस पे गिराती हो, तो वो हम पूछ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा गिर गया तो लेकिन अभी बनाने के बाद हम क्लीन भी कर दिए क्योंकि हम जब भी तो हलवा पूछ रहे थे तो गैस 2-3 चम्मच लचारी फैलाई थी उस पर चूल्हा पे, तो हम इसको बोल गए कि ऐसे काम बच्चे के जैसा मत करो, अच्छे से साफ से करो। तो हमारा साफ सफाई से थोड़ा ज्यादा लगाव रहता है, ये नहीं कि हम अपने शरीर का भी साफ रखते हैं, हर चीज साफ रखते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मेरे ही जैसे ये लोग भी करें, अच्छे से रहे, ताकि हम कहीं चले भी जाए 2-4 महीने के लिए तो ये लोग अच्छे। आंटी जी को खाने नहीं दे रही है दोनों बहू मिल के यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं। बहुत बोल रहा मम्मी इस डाइनिंग टेबल को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? ये डाइनिंग टेबल को दूसरी साइड से नहीं बैठ सकता, थोड़ा खाली लग रहा है यार। मस्त ना वॉलपेपर लगा के ना सजा दिया ने। क्या मम्मी 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 है बनी रही है। आप लोग ऐसे ही लोग चलते रहता है, मजा आता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे ना पटल होटल आंटी की गार्डन है, यहाँ पे ये सब कुछ डाल दिया, बस मसाला पीसना है तो मसाला के लिए भी निकाल लेते हैं सोच रहे हैं। बट मसाला वाला है कि लाइट तो आया ही है, मसाला वाला दिख रहा है तो।
और अभी हम चलते हैं, पहले पटरी को एकदम अच्छे से लाल लाल भून देते हैं। सोच रहे हैं हम जल्दी से सब्जी बनाते हैं ताकि रनिया जल्दी से रोटी अपना बना लेती है। एक तरफ सब्जी बनाते हैं, एक तरफ रोटी। सब्जी बहुत अच्छा बनाते हैं गाइस, इसीलिए मम्मी बोलते हैं बना रहे सब्जी। रनिया भी बहुत अच्छा बनाती है सब्जी, लेकिन अब पटल का सब्जी भाई बहुत मज़ा आता है बनाने में। आप रहने दीजिए, उसे आप बनाए थे, आपको बनाने के ताकि पता चले। तो जल्दी से इधर वो बनाओ, उनको पूड़ी भी छानना है ना। पूड़ी दाल चढ़ा देते हैं थोड़ा सा। मम्मी से मैं पूछूँ क्या पूड़ी बनाए थे पहले, दाल भी खा दो क्योंकि अभी नाश्ता करना होगा तो मम्मी नहा रही। तो सब्जी बननी का सब्जी ना तो दाल तो हो जाए। हाँ यार, लेकिन मसाला पीसने वाला कहाँ है? हाँ। ये गैस पता है, तब से भून रहा है लेकिन मुझे पता ही नहीं कि लहसुन ये वो करना। हम बना रहे ठीक हो गए हैं दीदी, अब जाइए। हम ठीक हो गए नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? मम्मी को बोलते हैं नहीं आप जाइए, हम लोग साथ में छाँगे मसाला वसाला पी। सब तक तुम निकालो इसको, छोड़ ऐसे भी सब जल्दी से। इसलिए हम बोल रहे ना क्योंकि उसके नाम बताई बनाई थी बता रही थी, तो हम बोले आज बनाते वैसे ही। ठीक है वैसे ही बनाना, खाली इसको छोड़ देते हैं, तुम जल्दी से दाल बैठा। उसके बाद चावल निकाल के फुला दिया जाएगा, तो चावल फूल जाता है तो हो जाता है दाल। इसी में ना डाले, इसमें थोड़ा सा पिसा जाएगा। यहाँ पे आधा मरीच फिलहाल भी आधा चाय खा लिए और अब ज़्यादा सब्जी बनने के। यहाँ पे दीदी बोल रही है कि हम छौंक देते हैं आप आते तो इधर डालें, तो अभी चलते जल्दी से जीरा मरीच लहसुन चाहिए हम बना रहे हैं। लहसुन हो गया, जीरा मिर्च और मिर्चा लाल मिर्च पीला छोटा सा। पता क्या, इसी मेरा सामान रहता पर मिलता नहीं है। मेरे एक बार तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ बन रहा है हर एक साइड दाल धोनी, मिर्चा देख सकते हैं मिर्चा की मात्रा बहुत छोटी छोटी है, इसलिए हमको लाल मिर्च डालना पड़ रहा है। मसाला पिसा जाएगा ना तो बहुत सही रहेगा क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं होगा, सब कट जाएगा। पीसना बहुत जरूरी है, तेल भी इधर गर्म हो गया तो पटल पहले पूरा अच्छे से हो जाएगा। इस बार ज़्यादा तेल में नहीं भूल रहा है क्योंकि ज़्यादा तेल में भूल दिया, इस बार थोड़ा स्पाइसी बनेगा। हम यहाँ पे निकाल दिए हैं लहसुन जीरा मरीच मसाला, रात में जल्दी आए तो हमको दिख नहीं रहा है। रात में आया थे ना? हाँ तो देख नहीं रही थी, उधर नहीं छुट्टी वो रहा वो हल्दी उसको सब पता रहता है। तभी ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कल मेरा तावे पे हाथ ऐसे ना रखा गया था जल्दी से, इतना जल्दी गर्मी के दिन में जलता है कि पते नहीं चलता है, जलता है तो अलग ही होगा। पटल को देख सकते हैं हो गया है बहुत ही अच्छे से फ्राई, एक ही पटल अच्छे से फ्राई हो गया और ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि और इसमें भी होना है। और यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, फिर मिर्चा डाल दिया, फिर कम ही डाला है हमने, और यहाँ प्याज डाल दिया है। तो आलू बहुत बड़े बड़े साइज़ के कट गए हैं,
आलू को भी हमने धुल लिया। अब आलू को इसमें डालेंगे एंड मसाला जब पिसा गया है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा कैमरा नहीं हिला जाए तो हालत हो रही है ख़राब, लेकिन मज़ा आता है यार। कम किए क्योंकि ये गिर रहा था, और आप लोगों के लिए वीडियो भी बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है तो आप लोग खुद का एंजॉय करेंगे। पहले हम यहीं से वीडियो बनाते थे, अरे यार हमको फिर याद आ रहा है तुमको रील बनाना है, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी हम अपना काम कर लेते हैं, प्याज जैसे ही लाल हो जाता है उसके बाद से आलू डाल देंगे, और आलू डालने के बाद आलू जब भुजा जाएगा तो इसमें हल्दी नमक डाल के भून देंगे, फिर मसाला डाल लेंगे, उसके बाद पटल डाल लेंगे, इस तरह सब में नमक घुल जाएगा तो बहुत सही है। हम सोच रहे हैं अभी डाल दे क्योंकि इस तरह ना प्याज ज़्यादा लाल ना हो गया। मम्मी से बोला मैंने कि मम्मी बढ़िया बना दो सब्जी, मम्मी बड़ी बड़ी तुम बनाओ सब्जी, इसके लिए हम अब सब्जी बना रहे हैं। डाल दी ऐसे ही सब्जी का जो आप लोग चाहिए रेसिपी दिखाना आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए खाना पीना बन जाता है। तो इसी के साथ ना इस ब्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी से हमारा इंस्टाग्राम जल्द से जल्द आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।